नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने चकिया अनुमंडल अस्पताल स्थित 60 बेड वाले आइसोलेशन सेंटर डीसीएचसी का किया उद्घाटन। अरेराज पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसा उड़ाने वाले गिरोह का किया खुलासा। 23 फर्जी एटीएम लग्जरी कार के साथ गिरोह के 4 फ्रॉड हुआ गिरफ्तार। गड्ढे में तब्दील हुआ सड़क, हर समय दुर्घटना की बनी रहती है आशंका। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया का है मामला। अरे राज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी ने लगाया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। नियमित पार्किंग स्टैंड का विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। वर्षों से यहां लगा रहता था कचरों का अंबार। और सुगौली में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत होने से मचा कोहराम। लोगों में भय का माहौल, घर से नहीं निकल रहे हैं लोग। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने चकिया अनुमंडल अस्पताल स्थित 60 बेड वाले आइसोलेशन सेंटर डीसीएचसी का आज उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने वहां लगाए गए बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सी प्लस मीटर एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने अनुमंडल अस्पताल के सभी वार्डों का मुआयना किया और डॉक्टरों को जिलाधिकारी ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल बनाए रखने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही वहाँ के ANM संस्थान में भी आइसोलेशन सेंटर हेतु सभी सुविधाओं युक्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सी प्लस मीटर एवं अन्य मेडिकल फैसिलिटी के साथ सिविल सर्जन को बेड लगाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही NRC का भी निरीक्षण किए और उसे भी सभी सुविधाओं समेत बेड लगाने हेतु आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का अनुमंडलीय अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को दिशा निर्देश दिए। वहीं नए आइसोलेशन सेंटर के लिए पारा मेडिकल स्टाफ देने के लिए सिविल सर्जन DPM को निर्देश दिए हैं। चकिया का SDH सब डिविजनल हॉस्पिटल को हमने डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर के रूप में भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे 4 पेशेंट भी अवस्थित है। 58 बेड अभी हो गए हैं। यहाँ पे जो ANM स्कूल बन रहा है उसकी बिल्डिंग भी हम टेक ओवर कर रहे हैं DMSICL से, और वहाँ भी जो है एक 50 से 75 के बेड के करीब जो है हम यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो चकिया वासियों को जो है कोरोना में जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो निश्चित हम यहाँ पे जो है उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे आपको मेडिसिन के अलावा जो है ट्रीटमेंट भी होगी अच्छी। इसके अलावा आपको टेस्टिंग करवानी है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे हो रही है। सब डिविजनल हॉस्पिटल लेवल पे दी जा रही है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज चकिया अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली और अनुपस्थित कर्मचारियों के आज के दिन का वेतन स्थगित रखने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी से विधि व्यवस्था एवं 107 के अधिक मामले लंबित रहने के कारणों की जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी ने अनुमंडल निर्वाचन शाखा जाकर किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्वाचन के बाबत कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज निरीक्षण के दौरान सहायक समाहर्ता, गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल आदि मौजूद थे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से है। यहां उप प्रमुख नंदकिशोर यादव ने सहकारिता मंत्री और जिला पदाधिकारी बेतिया को आवेदन देकर पूर्व पैक्स अध्यक्ष लाल बच्चा यादव, उनकी पत्नी सह वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुनर देवी द्वारा पैक्स में भ्रष्टाचार फैलाने तथा किसानों को मिलने वाले लाभ को हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने आवेदन में बताया है कि लाल बच्चा यादव एवं उनकी पत्नी द्वारा अपने कार्यकाल में फसल बीमा करके लाखों का घोटाला किया गया है। वहीं लाल बच्चा यादव पर पूर्व में पैक्स पर लाखों रुपया का कर्ज है। साथ ही आरोप लगाया कि बच्चा यादव पर पूर्व में पैक्स पर लाखों रुपये का कर्ज है तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी सुनर देवी को चुनाव लड़ाकर जिता लिया। वहीं बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 54, जिसमें उल्लेखनीय है कि सोसाइटी के जिम्मे बाकी राशि वसूल की जाएगी, इस अधिनियम का भी उन्होंने उल्लंघन किया है, इसका आरोप लगाया। वहीं पैक्स अंतर्गत संचालित राशन दुकान द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है।
उल्टे में राशन कार्ड धारियों को खुलेआम धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि किसानों के फसल की जाली बिक्री दिखाकर किसानों के फसल बीमा को स्वयं लेकर करोड़ों का घोटाला किया गया है। उन्होंने इसकी जांच करने की भी बात कही है। उन्होंने एक प्रतिलिपि निगरानी विभाग पटना, अपराध अनुसंधान विभाग, सहकारिता मंत्री को प्रेषित किया है। इस संदर्भ में हमने पैक्स अध्यक्ष लाल बच्चा यादव की पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रस्तुत किए जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग गुप्ता बाजार के समीप बाढ़ के पानी से सड़क गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। यहाँ की स्थिति यह है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह कहना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही में काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। हालांकि सभी तरह के वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ऑटो व चार पहिया वाहनों के परिचालन में हो रही है। यहां हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर गिट्टी बालू लदे वाहनों का परिचालन मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के भिन्न भिन्न जगहों पर इसी मार्ग से होता है। इसके बाद भी सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। इस मार्ग से बड़े बड़े वाहनों का भी परिचालन होता है, जिससे बड़ी संख्या में वाहन ओवरलोडेड भी चल रहे हैं, जिसके कारण सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जबकि कई जगह सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों एवं राहगीरों ने अविलंब सड़क मरम्मत कराने की मांग की है। बहरहाल सड़क जर्जर होने से वाहनों की आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। हैरत की बात तो यह है कि इस संबंध में न तो संबंधित विभाग के अफसर ध्यान दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आम जनता जर्जर सड़क को लेकर परेशान है। यहाँ नानोसोती और मझौलिया जो मुख्य मार्ग है, इसमें बाढ़ का पानी जो है सड़क पर 3 फीट बह रहा था। अभी पानी तो सूखा हुआ है, लेकिन रोड जर्जर हो गई है और आने जाने के लिए यहाँ रोड बहुत मुश्किल से निकल रहा है। लेकिन अभी यहाँ एक 14 चक्का ट्रक जो गिट्टी लदा हुआ है और फंसा हुआ है, जिससे अगल बगल के रास्ता थोड़ा सा बचा है हुआ है, जिसमें कोई सवारी निकल नहीं रहा है। और यहाँ स्थानीय प्रशासन भी ऐसी है जो अभी तक कोई इसकी देख रेख और जान समझने बूझने तक नहीं आई है। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में बरसों से कचरों के अंबार में पड़े जगह का आखिरकार उद्धार हो गया। अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पे जो जगह देख रहे हैं, पहले यहाँ कचहरी चलता था। अब उस कचहरी की जगह पर नियमित पार्किंग स्टैंड का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक रामचंद्र सहनी और प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि पहले यहाँ कचहरी चलता था और कचरों का भारी अंबार लगा रहता था, जिसके आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए विधायक रामचंद्र सहनी के पहल पर संवेदक अरविंद पांडे के द्वारा इसका कायाकल्प किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसके लिए स्थानीय विधायक धन्यवाद के पात्र हैं। अभी फिलहाल कचहरी किराए के मकान में चल रहा है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि अरविंद पांडे, मीडिया प्रभारी अश्विनी झा, पूर्व प्रमुख पति विशाल गुप्ता, समाज सेवी ब्रजेश गुप्ता, सोनू कुमार, जिला आईटी सेल संयोजक राहुल कुमार मोदनवाल आदि मौजूद थे। कचहरी कोर्ट चलता था, लेकिन धीरे धीरे इसका रख रखाव नहीं होने के कारण यहाँ पर लोगों के द्वारा गार्बेज फेंका जाता था। लेकिन माननीय विधायक जी के पहल पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत संवेदक श्री अरविंद कुमार जी के द्वारा यहाँ पर इसका कायाकल्प किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कचरा का ढेर रहता था, अब वो एकदम एक लग रहा है कि ये अपने आप में और बाजार में एक महत्वपूर्ण जगह है, जो इसका पुनः मतलब कचरा का सफाई करके और एक अच्छे स्थल के रूप में परिवर्तन किया गया है। ये इसके लिए माननीय विधायक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज में कोरोना संक्रमण का काफी तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए गोविंदगंज लोजपा विधायक राजू तिवारी द्वारा निजी कोष से 6 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। सैनिटाइजर मशीन अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार, सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर, अनुमंडलीय अस्पताल, पहाड़पुर प्रखंड कार्यालय सहित संग्रामपुर में 2 यूनिट लगाया गया है। गोविंदगंज विधायक ने अनुमंडलीय अस्पताल में सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन की शुरुआत करते हुए बताया कि शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर निजी कोष से अनुमंडल के 6 मुख्य स्थानों पर यह लगाया गया है। इस ऑटोमेटिक मशीन की क्षमता 30 लीटर की है। एक बार टंकी फुल होने के बाद 600 व्यक्ति फुली सैनिटाइज हो जाएंगे। विधायक श्री तिवारी ने सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस महामारी के समय क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बाढ़ व कोरोना महामारी के समय में क्षेत्र के हर एक व्यक्ति के सुख दुख में हम हमेशा खड़ा रहेंगे। मौके पर SDO धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, DSP ज्योति प्रकाश, BDO मनोरंजन कुमार पांडे, CO वकील सिंह, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर नीरज कुमार,
कुमार, WHO के नरोत्तम कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। देखिए, हमारे विधानसभा में अचानक कोरोना हमारी जो फैली है उसमें वृद्धि हुई है। उसी क्रम में मैं अपने यहाँ सैनिटाइजिंग मशीन अनुमंडल अस्पताल और अपने विधानसभा पहाड़पुर अस्पताल और पहाड़पुर प्रखंड और अरेराज सब डिवीज़न और संग्रामपुर प्रखंड लगभग 6 स्थानों पर ऐसी मशीन दिए हैं। ये दिन भर में करीब करीब 2000 लोगों को सैनिटाइज करी, जिसमें रजिस्ट्री विभाग वगैरह सब आता है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ अपने जनता जनार्दन के लिए कि कम से कम जो महामारी है इसमें एक सैनिटाइज हो जाए। 40 सीटर का टंकी है, टंकी में 1000 लोग होंगे। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से COVID-19 के संबंध में समीक्षा की और इस दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उक्त बैठक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, सहायक समाहर्ता, ADM आपदा, सिविल सर्जन एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली नगर पंचायत में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से मंगलवार को हो गई। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत के वार्ड 1 निवासी महेंद्र शर्मा की सोमवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वे इलाज के लिए बेतिया गए, जहां मंगलवार को उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया और कोरोना के भय से लोग अपने घर में दुबक गए। इसके बाद पूरे सुगौली में हड़कंप मच गया, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल टीम पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज OP थाना पुलिस ने अंतर जिला ATM फ्रॉड गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों के पास से फ्रॉडिंग के 23 ATM कार्ड, 13,300 रुपए नगद, आधार कार्ड, 4 मोबाइल व 1 लग्जरी कार भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार ATM फ्रॉड के चारों सदस्य गोपालगंज जिला अंतर्गत महमदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिला सहित गोपालगंज, सिवान में कई फ्रॉडिंग की घटना में अपनी संलिप्तता पुलिस के समक्ष स्वीकार की है। DSP ज्योति प्रकाश ने बताया कि शहर में लगातार ATM फ्रॉड की बढ़ती घटना को लेकर पुलिस अपनी जाल बिछाई थी। मंगलवार दोपहर हरदिया चौक स्थित एक ATM में दो ग्रामीण महिलाओं को देखकर ATM फ्रॉड लग्जरी गाड़ी से उतरकर बहलाने लगे। इतने में OP थाना पुलिस ने बिना नंबर के वेन्यू लग्जरी गाड़ी के साथ 4 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गिरोह के पास से 23 फ्रॉडिंग का ATM कार्ड भी बरामद किया गया। गिरोह का सरगना गोपालगंज जिला के महम्मदपुर थाना क्षेत्र के संतोष सहनी ने पुलिस के समक्ष पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान में दर्जनों ATM बदलकर लाखों रुपए निकालने की बात स्वीकार की है। वहीं गोविंदगंज थाना क्षेत्र के ध्रुव शर्मा ने गिरफ्तार फ्रॉड की पहचान करते हुए बताया कि 27 जनवरी को PNB से पैसा निकालकर आते समय उक्त लोगों ने इसी कार में उठाकर उनसे रुपए छीन लिए थे। OP थाना अध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने बताया कि गिरफ्तार मास्टरमाइंड संतोष सहनी पूर्व में भी लूट कांड में जेल जा चुका है। वहीं गिरफ्तार गोपालगंज जिला अंतर्गत मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित डुमरिया का धनराज कुमार, राकेश कुमार व सुमन कुमार की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। बरामद चारों मोबाइल के कॉल डिटेल से भी बड़ी खुलासा होने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज बरवा सेमरा घाट के वार्ड नंबर 5 में 2 बच्चों की डूबने से मौत होने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक सेमरा घाट, जहां नदी का कटाव हो रहा है, वहीं 2 लड़कों की नदी में डूब जाने से मौत हो गई है। ये दोनों लड़के अपने नाना के घर रह रहे थे। इनमें एक, जिसका नाम वारिस अली उम्र 5 वर्ष था, वह सेमरा घाट वार्ड नंबर 1 का निवासी समीम अंसारी का पुत्र है, तथा दूसरा गुलफाम, जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल, पिता सफी आलम है, जो सतगढ़ई वार्ड नंबर 2 ग्राम पंचायत पुरैना प्रखंड सिकटा का निवासी है। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना मझौलिया थाने को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता घटनास्थल पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस संदर्भ में दूरभाष पर अंचलाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो भी मुआवजा की राशि है पीड़ित के बीच जल्द से जल्द मुहैया करा दी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मोतिहारी के स्थानीय मोतिहारी विधानसभा के पार्टी कार्यालय लखौड़ा में लोहार समाज के और भाजपा युवा मोर्चा के नेता लाहौर शर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया है। साथ ही इनके सैकड़ों समर्थकों ने भी राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राजद अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी अधिवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण मोतिहारी इनके आने से काफी मजबूत हुआ है, क्योंकि श्री शर्मा भाजपा के साथ साथ अपने समाज के भी काफी मजबूत संगठन करता है। इस मौके पर लहवर शर्मा ने कहा कि भाजपा में
अनुसूचित जनजाति के नेताओं का कोई इज्जत सम्मान नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी विधायक एमपी अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं। इससे आहत होकर आज मैं सामाजिक न्याय की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया है और मेरे साथ सैकड़ों युवा साथियों ने सदस्यता ग्रहण की है। मौके पर पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद, भूषण पासवान, राम बालक प्रसाद, शिव कुमार प्रसाद, सूरज नारायण पासवान सहित दर्जनों पदाधिकारीगण मौजूद रहे। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार सहनी ने दी है। मेरे अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल का प्राथमिक सदस्य का सदस्यता ग्रहण किए हैं जो लोहार समाज से आते हैं, लोहवर शर्मा जी, जो काफ़ी लोहार समाज के काफ़ी कदावर नेता है, काफ़ी मजबूत साथी हैं और साथ ही साथ भाजपा युवा मोर्चा के भी नेता रहे हैं। इन्होंने आज भाजपा को त्याग कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। इनके साथ साथ जो है इनके काफ़ी सैकड़ों समर्थक आज पार्टी ज्वाइन किया है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 12 विधानसभा में काफ़ी मजबूत होगा और हम लोग 12 विधानसभा जीतेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के सरैया पांडे टोला में मंगलवार की देर रात तेंदुआ ने एक गाय पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। स्थानीय मुखिया द्वारा जानकारी देने के बाद वन प्रशासन घटनास्थल पहुंचकर उसके निशान को प्राप्त किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम भी घटनास्थल पहुंची और तहकीकात की। अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने आम लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वे लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं रहने दें और पशुओं के रहने के स्थान पर आग जलाएं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण करें और यदि तेंदुआ क्षेत्र में है तो उसको पकड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्थानीय थाने को भी निर्देश दिया कि वे लोग यहां कैंप करें और वन विभाग का सहयोग करें। मौके पर वीडियो मनोरंजन पांडे, सीओ वकील सिंह, थाना अध्यक्ष व स्थानीय मुखिया बाबर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।